जैसे कि पाइसिन लगन में, क्या मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को कोई जीवन का सपोर्ट नहीं देता, इवन कोई सपोर्ट रह भी नहीं जाता इस व्यक्ति के पास। पाइसिन लगने के पास में ना परिवार होता है, ना पिता होता है, माता भी ऐसी नहीं होती जो उसको लाइक ना दे सके कुछ। तो ये बंदा सेल्फ मेड होता है, सेल्फ मेड शब्द कि खुद के ही दम पे इसने सब कुछ खड़ा करता है। फादर नहीं होते हैं, इसका लॉजिक स्कॉर्पियो इन द नाइन्थ हाउस से होता है, ठीक है। फैमिली का रिसोर्स भी नहीं होता है क्योंकि एरीज इन द सेकेंड हाउस आता है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर, ठीक है। सेल्फ मेड है तो उस एरिया में आपको कोई भी मदद नहीं करने वाला है। तो इस व्यक्ति, इसीलिए ऐसा समझो कि पाइसिन इस जान के लाले पड़ना, लगन में पाइसिन आ जाए तो इस लाइफ की जान के लाले पड़े। अभी तो जिंदा रहना ही सबसे बड़ा वो है, आपको सारी जिंदा जिंदा रहने की करनी है। इसीलिए सेकंड हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ के लिए है। सो व्हेन यू आर अलोन, लाइक ट्रैवलिंग अलोन, डूइंग थिंग्स अलोन, गेटिंग लॉस्ट, ना कुंभ मेले में खो गए, वो सारी थीम तुम्हारी पाइसिन में मिलेगी। ये याद रखना, देखो लगन लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए ना, ये व्यक्ति की स्टोरी है लाइफ में कि व्यक्ति खो गया था, लाइक ना पेरेंट्स लोग ढूंढ रहे हैं और ये मस्त है, इसको पता ही नहीं कि हम तो खोए हुए हैं। इसको तो मालूम है कि हम तो अपना इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स लोग का दिमाग खराब है कि ये कहाँ हो गया, कहाँ मिल नहीं रहा, ये वो लॉस्ट हो जाना, ठीक है। महर्षि जी आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी है ना? नहीं, नहीं, कुछ तो होना चाहिए यार, कभी तो ऐसा पेरेंट्स ने बोला हुआ एक कि हम। छोटा सा है कि मम्मी रात को सोई, सुबह मुझे ढूंढ रही है कहाँ है बेड के नीचे, वो पता चला मच्छरदानी में ऐसे लटकी हुई हूँ। हाँ इसके अलावा तो कभी नहीं खोई मैं। अच्छा, हो सकता हाँ, है मैं बाकी भी नहीं। मुझे बंदर 2 बार जरूर पकड़ के ले गए हैं, लेकिन हाँ वो हाँ मतलब आए घर पे, उठा के ले गए इधर से दूसरे के घर तक। ये सही है यार, अलग कैसे तो काम मोगली और टार्जन बनते बनते यहाँ आ गए, बट वो खोई नहीं थी, वो तो मतलब सबके आंखों के सामने हुआ है। लेकिन ये वो मार्स एंड ट्वेल्थ हाउस जाए या फिर लगन लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस जाए तो ऐसे में खोने का डर रहता है। इवन पाइसिन जहां बैठा है ना, वो व्यक्ति के साथ में एक स्टोरी जरूर रहेगी कि खो गया था कहीं पे। क्योंकि आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, द गर्ल हैज रिटर्न फॉर नाइन आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद वो लड़की वापस आई अपने माँ के पास में। दैट इज वेरी प्रोमिनेंट थीम विद स्कॉर्पियो, रिमेम्बर स्कॉर्पियो में 5th हाउस में पाइसिन मिलता है। बच्चा खो जाना या बच्चे की कस्टडी लूज कर देना, समथिंग लाइक दैट इवेंट है वहां 5th हाउस। ये भी है, वो भाई के साथ भी ऐसे ही होता था, मतलब खोया नहीं है वो, पर ये हाँ ड्रामेटिक वो नहीं होता था, बट वो ना इतना क्यूट था बचपन में, एकदम गोरा चिट्टा बच्चा, वो ऐसे फिरंग लगता था, तो उसको कोई तो भी उठा के ऐसे ले जा रहा होता था। हम एक बार सही में, और वो चल भी, उसको कोई, उसको इतना मस्त बच्चा नहीं मैंने देखा कभी। बाकी बच्चे होते हैं ना बचपन में जब गोद में है, मतलब 1-1.5 साल के, 2 साल के, तो वो रोएंगे अगर किसी नए बंदे के पास जा रहे हैं। हम एक बार ट्रेन में शिमला जा रहे थे और उसे देख देख के ना, हमको पास वाला पैसेंजर ने देखा तो उसने बोला, अरे कितना क्यूट बच्चा, आ जा, तो फटाक से उसकी गोदी में। वो करते करते 4-5 डब्बे ट्रेन के उधर निकल गया है, आधे घंटे मैं और नानी थे, और मैं नानी को बोल रही थी कि सुनो वो कहाँ गया है, इधर ही था, देखा तो 3-4-5 डब्बे और थोड़े ट्रेन में भाग रहे उसको ढूंढने के भाई, क्योंकि वो एक की गोद, दूसरे की गोद, तीसरे की गोद, ऐसे करते हुए निकल लिया वो। फिर उसको पकड़ के वापस हम लेके आए, तो ये उसके साथ बहुत होता था। कोई भी हमारे पड़ोसी सुबह आते थे, उसको उठा के चलो भाई पहाड़ी वॉक करने चलो, तो वो उनकी गोद में जा रहा है घूमने कहीं, तो ऐसे ही होता था सारा। ये होता है, प्रोमिनेंटली पाइसन होगा ना तो ये केसेस रहते हैं। इलोपमेंट भी एक बहुत बड़ा थीम है, मतलब भाग जाना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो छोड़ के चले गए, मिल नहीं रहे, पापा खो गए, मम्मी खो गई, बताओ कहाँ है, मिल नहीं रहे, वेरी प्रोमिनेंट थीम पे पाइसन, पाइसन के साथ में ऐसा होना है, ऐसा होना बहुत सिंबॉलिक है।
जहां पे पाइसियन मतलब पाइसियस का साइन प्लेस्ड है चार्ट में, वो वाली चीजें भी तो होंगी ना फिर, मतलब जैसे किसी और के चार्ट में, ये तो आप पाइसियन का थीम बता रहे हो, पैसे को क्लीन कर रहा और जैसे अगर मेरे चार्ट में अगर पाइसियस 7th हाउस में, है। हाँ इज इट, या फिर मतलब ये वाली चीज की वो चीजें खोती रहती हैं आपकी, या मतलब यू कीप लूजिंग दोस थिंग्स दैट सिग्निफाई दैट, आई मीन थिंग्स दैट आर सिग्निफाई, वस्तु, हाँ वस्तु के रूप में खो जाना इज मोर सो कि वो दे देना जैसा होता है, वस्तु पदार्थ के रूप में। जब कोई व्यक्ति के रूप में होता है तो बस वो चला जाता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये बात उसमें तो एक कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझाया कि वो जो जहां पे भी पाइसन है, तो इसलिए लगन में जो तुम पाइसन समझाया मैंने, एलोपमेंट ये वो और सेल्फ मेड, ठीक है वैसी चीज। और इसीलिए आप यहाँ पे अकेले हो, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं होता, इसलिए जेल बोला गया। बट जेल है नहीं, याद रखना, जेल कभी भी तुम किसी का जेल देखोगे तो हाँ मिलेगा तुमको, 12th हाउस से लिंक मिलता है, मैंने तो देखा है। बट इट्स मोर ऑफ की फैमिली से कट आउट, कोई भी नाते रिश्तेदार से कट आउट। ठीक है, तो संन्यास ले लेना, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग विद पाइसेस। फॉरेन लैंड्स जाके सेटल हो जाना, पाइसेस से बहुत प्रॉब्लम। अपने जानने वालों से अनभिज्ञ रहना, अपनी सोसाइटी उससे अनभिज्ञ ना, दूर जाकर के रहना, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग विद पाइसेस। जेल्स को रिप्रेजेंट करता है पाइसेस, हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है पाइसेस, ठीक है, मेंटल असाइलम्स को भी रिप्रेजेंट करता है पाइसेस। मेंटल असाइलम इसलिए कि मरकरी डेब्यूटेट करता है, ब्रॉथल्स को भी डिनोट करता है पाइसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड देन कि पाइसेस जब सेकंड हाउस में जाएगा तो व्हाट यू सी इज वेरी प्रोमिनेंटली कि एक तो घर परिवार के लिए बहुत करना पड़ता है, मतलब फैमिली के लिए यू विल हैव टू हैव, जैसे बोला ना कि सेल्फ मेड होता है वहां पे, उसी तरीके से बोला जाए तो वहां पे उस चीज के लिए आपको फैमिली को गैदर करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एक्वेरियस के लिए। सो यू विल फाइंड एक्वेरियस पीपल डूइंग अलॉट टू लाइक ना स्टे टुगेदर, स्टे टुगेदर इन द सेंस कि अपने परिवार को इकट्ठा रखने के लिए बड़ी जल्दी होती है, इसीलिए इसीलिए बड़ा भाई बोलते हैं 11th हाउस को। 11th हाउस को बड़ा भाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, सोचता है कि सारे भाई लोग इकट्ठे रहे, सारे परिवार जन इकट्ठे रहे। ठीक है, और इन्हीं का पैसा है जो खोता है, मनी लॉसेस, पैसे खो जाएंगे, सामान चीज खो जाएंगे। बहुत सिंपल सा देखा जाए तो टूथब्रश खो सकता है, सिंपल। अक्वेरियस का महीना आएगा ना तुम्हारा, टूथब्रश खो गया, बोले अभी तो यही रखा था, और कहाँ क्यों चला? ये पैसे सेकंड हाउस में? हाँ, क्योंकि टॉरस टूथब्रश है, टूथ ब्रश बिल्कुल हाँ नहीं टूथ ठीक है, मेरे को लगा फिर चश्मा भी होना चाहिए ना, आंखें भी तो होता है चश्मा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, पे भी। जो चश्मे दौड़ रहे हैं कहाँ गया कहाँ गया, जिनके शरीर होता है और वो दौड़ते रहते हैं पूरे टाइम, तो दैट इज व्हाट लाइक ना पाइसिन का इफेक्ट होना, चश्मे खो जाना, वो अक्वेरियस के महीने में होएगा, ये सब छोटी छोटी बातें। अभी छोटी छोटी बातें, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन वो बताता है कि पाइसिन कैसे काम करता है। ठीक सो ये भी बात है कि अक्वेरियस में पैसा भी बहुत मिलता है तभी तो खोएगा, ये अभी तो समझो कि पैसा खोएगा तभी तो खोएगा, फिर जिसका है ही नहीं उसको क्या खोएगा। तो एक मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है कि वो आइटम जरूर मिलेगा तुम्हें। तो पाइसन सेकंड हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को अगर समझो कि टैलेंट कैसे मिलेंगे, किस प्रकार के टैलेंट मिलेंगे, तो उसको फाइनेंशियल्स के बहुत अच्छी नॉलेज पकड़ देता है। ठीक है, फाइनेंशियल चीजों के रिगार्डिंग में ऐसी व्यक्ति को बड़ी अच्छी नॉलेज होती है। दूसरा चीज फूड, और फूड कह लो जो भी टॉरस में चीजें आएंगी उसके रिगार्डिंग ऐसे व्यक्ति की बड़ी अच्छी ग्रिप होती है।
अंडरस्टैंडिंग होती है जिन चीज होती है, इसलिए फाइसेस यू विल फाइंड टूरिस्ट लंदन पीपल लाइक नो वेरी इनटू फूड एंड ऑल. बैंक अकाउंट खुलवाने कोई नहीं जाता ऐसे, मतलब कह लो कि बैंक अकाउंट रिलेटेड कोई भी मैटर होगा ना तो इन लोग को अकेले ही जाना पड़ता है. दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग इसको जिसका पाइसेस सेकंड हाउस हो. राइट, क्यों? क्योंकि वहां पे आके कोई मदद नहीं करने आएगा यार, करो पैसे नहीं. फिर ने तो इनके फैमिली रिसोर्सेस भी नहीं होंगे. फैमिली रिसोर्स होंगे, देखो कहीं पैसे में तो सब कुछ होगा, ये बात तो सही मैंने क्वेश्चन बताया, उसमें होगा जरूर, ये बात पता ये है ही नहीं कि नहीं होगा, होगा और देने का मौका आएगा, दे देने का चीजें हैं. एंड जनरली दे देने का हैबिट भी होता है, मतलब इन द सेंस कि पैसे में अगर ठीक पोजिशन में, जहां पे मार्स जैसे प्लैनेट नहीं है उसको स्टॉप करने के लिए, तो ऐसा देने को राजी होता है, दे देता है कि ठीक है कोई बात दे दो, क्या मतलब, इट्स ए इजी गिविंग साइन, क्योंकि वहां पे ब्लेस्ड है ना जुपिटर और वीनस से ब्लेस्ड है, और जुपिटर वीनस कभी पदार्थ से खुश नहीं होंगे वहां पे, उनका वहां पे भूख जो है ना, आपकी तड़प जो है वहां पे कोई मटीरियलिस्टिक आइटम पूरी नहीं कर पाए, जैसे परिवार का इकट्ठा रखना, ये जुपिटर वीनस की वहां टेंडेंसी है. जुपिटर चाहता है कि बड़ा परिवार हो जाए, और वीनस चाहता है कि खुशहाल परिवार, लोग खुश रहे, दैट इज द टेंडेंसी दैट दे वांट टू बी देयर इन सेकेंड हाउस. वहां पे फिर उनको उसकी वो सिर्फ चाहते हैं कि यार दो रोटी कम खाएं लेकिन सब लोग साथ, इसकी तमन्ना है. ये बड़ा प्रोमिनेंट थीम मैंने भाई के साथ देखा है कि अक्वेरियस लगता है वेरी टुवर्ड्स कि अरे सब लोग मिले बैठे हैं, सब खा साथ में बैठे, इसका बड़ा एक चाव रहता है, दैट्स अ गुड थिंग. सो जुपिटर वीनस की बुक वहां पे पदार्थ वो नहीं होगी, इसलिए वो व्यक्ति दे देने में विश्वास रखता है, वहां पे परिवार के लिए देने में तैयार है, इवन अपनी वेल्थ को देने में, देने के लिए राजी हो जाता है. थर्ड हाउस में जब जेमिनाई के साइन में पाइसिन का उतरता है, तो ये एक काइंड ऑफ डेबिलिटेशन, पाइसिन का सेकेंड हाउस होना इस काइंड ऑफ एन एक्सोल्टेशन, याद रखो. क्यों? क्योंकि वीनस या कह लो मून का साइन है, प्लेसमेंट है, एंड दैट इज वेयर इट इज गेटिंग, तो वहां पे एक्सोल्टेड तरीके से वो काम करता है, अच्छा है पाइसिन, ऐसा भी बोल सकते हैं, वहां पे अच्छा काम करता है. बट जेमिनाई के साइन में आते ही इट्स अ डेबिलिटेटेड पॉइंट, तो 10 11 12 तीन नंबर डेबिटेशन का मतलब है कि कर्जा है. डेबिटेशन ऐसा सिंपल समझो कि देयर इज अ सम लोन पेंडिंग लोन, इसीलिए मकर का बहुत प्रोमिनेंट थीम है जेमिनाई के साथ, बहुत प्रोमिनेंट. क्यों? क्योंकि एक तो नेचुरल जेमिनाई सिक्स हाउस में होता है, दूसरा नेचुरल पाइसिन का साइन डेबिटेटेड पोजिशन में होता है, इसीलिए ऐसे लोगों को मकर लगन के लोगों को अपने भाई बंधुओं से पना के रखनी चाहिए, भाई बंधुओं के लिए करना पड़ेगा, भाई बंधुओं को इकट्ठा करने का पूरा जद्दोजहद होना चाहिए, यही मेजर लाइफ का एक वो रहेगा, थीम रहेगा जेमिनाई का पोजीशन में. इसीलिए इनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लमेटिक है ना, सैटर्न लगना कैप्रिकॉन लगना के लिए मरकरी का पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, क्या मरकरी एक तो भाग्य को डिनोट करता है, नाइन्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस में कर्म को रखा हुआ है, अब अगर थोड़ा सा भी डेमिटेशन में गया इन सेंस की सिक्स्थ से लगन थर्ड हाउस पहुंच गया ना, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है. इसीलिए ये बच्चे स्लो और स्लो और स्लो हो जाएंगे, एक तो सैटर्न का स्लोनेस है, नेचुरल डेबिलिटेटेड चीज है, इसीलिए लगन पे सैटर्न या फिर सैटर्न मकरी का कंजंक्शन, यू विल फाइंड दैट थीम ऑफ मकर सैटर्न टू प्ले, ठीक है, थीम ऑफ मकर सैटर्न टू प्ले आउट. सो नेचुरल डेबिलिटेटेड पाइसिन क्या करेगा थर्ड हाउस में? डेबिलिटेटेड पाइसिन होने का मतलब अभी भी लेकिन उतना डेबिलिटेशन में नहीं जा सकता है
क्यों? क्योंकि एक तो ये चीज है कि पाइसन उठ के आया है, मरकरी उठ के अभी नहीं बैठा है। मरकरी एक बहुत बड़ा की प्लेयर बनने वाला है मकर लग्न के चार्ट में, याद रखना। मकर का पोजीशन मैं तुमको समझना हो कि कैसा है, बुध है। बुध तुम्हें बहुत कुछ बताएगा वहां पे उसके चार्ट में, क्योंकि बुध यहाँ पे तीन तीन पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर बुध खराब हुआ, मैलेफिक्स में हुआ, तुरंत थर्ड हाउस जाएगा, तुरंत सिक्स्थ हाउस, तुरंत नाइन्थ हाउस, ये तीन पोजिशन चली जाएंगी उसकी। एंड दैट वुड लीड टू प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, डिस्प्यूट्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। बुध अच्छा हुआ, एग्जॉल्टेड नाइन्थ हाउस में बैठा, फादर से रिलेशनशिप जरूर खराब करेगा, लेकिन बाकी एंगल्स में उसके चीजें अच्छी रहेंगी। प्रैक्टिकलिटी ऑफ वो उसको बढ़ा करके देगा, चीजें अच्छी करके देगा, ईज ऑन हो जाएगा। तो मकर के लिए भाई बहनों का एकत्रित रहना, भाई बहनों से साथ झगड़ा नहीं करना, और उनके लिए चीजें छोड़ देना, डिस्प्यूट न करना, उनको साथ रखने की चेष्टा करना ही मकर का सबसे बड़ा निदान। ठीक है, तो मकर लग्न मिलते ही पूछो कि भाई बहनों के साथ क्या चल रहा है, दैट्स अ वेरी प्रॉमिनेंट थिंग। अच्छा, अब थर्ड हाउस में तो मकर लग्न को पेपर वर्क में मदद मिलना मुश्किल है, लेकिन ना मकर लग्न को बड़ा प्रॉब्लम है पेपर वर्क से। इन लोग का होता ही प्रॉब्लम पेपर वर्क, और ट्रांसफर, दो चीज का प्रॉब्लम है मकर लग्न को, ट्रांसफर का प्रॉब्लम है, पेपर वर्क का प्रॉब्लम, और इनकी कोई मदद नहीं करता वहां पे। ये वहां पे भगवान भरोसे कि सेल्फ मेड है वहां पे। ठीक है, स्लोली स्लोली व्हाट हैपन, दे विल लर्न, they'll figure out stuffs, how to do it over there. और सोचो क्या हो सकता है परिसर में। वीनस भी है ना, वीनस भी एक पोजीशन है, जुपिटर और एक बार समझो कि जुपिटर और वीनस दोनों वहां वहां मिलेंगे, वो जहां जहां परिसर में। अब जुपिटर वीनस का पोजीशन तुमको थर्ड हाउस में मिलता है, एक बार समझो। वीनस थर्ड हाउस में तो बहुत अच्छा काम नहीं करता है, और जुपिटर थर्ड हाउस में वो भी अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, सो बिन बात का ज्ञान देने वाला, जुपिटर थर्ड हाउस में बिन बात का ज्ञान देता है। ठीक है, ये ऐसा एटीट्यूड रखना, और उसके फिर साथ ही साथ में सेक्सुअली ड्रिवन होना। ठीक है, अर्ली ऑन सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस करना, ये वो सारी चीजें तो थर्ड हाउस में देखने को मिल जाएगी पाइसेस के साथ। फोर्थ हाउस पाइसन, वेरी गुड प्लेसमेंट। फोर्थ हाउस पाइसन कैसा प्लेसमेंट है, जुपिटर इज गेटिंग एग्जॉल्टेड, वीनस इज इन इट्स ओन हाउस, मून का घर है, वेरी गुड प्लेसमेंट। तो ऐसे करो, तो व्हाट डज इट मींस कि अब ये व्यक्ति का क्या होगा, पहले तो जुपिटर एक प्रकार से सेजिटेरियस बना रहा है लग्न का। सैजिटेरियस लगन लगन पे बनाने का मतलब कि गुरु का लगन बना रहा है, दैट्स अनदर प्रोमिनेंट थीम। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा समाज को देने का क्षमता रखता है, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित रहता है, अच्छे पद पे पहुंचेगा, दैट इज व्हाट जुपिटर इज। हमेशा इसका लिंक अप, इस व्यक्ति का काम ही ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोगों को हैंडल करना, दैट्स अ थीम। क्योंकि नेचुरली जुपिटर वीनस का कंजंक्शन उसको फोर्थ हाउस में मिला। लेकिन ये याद रखना कि फोर्थ हाउस में दे देना पड़ेगा, तो क्या होगा कि माँ के लिए देने का थीम है मदर, मदर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे चीज मदर को साथ रखना विल बी अ की प्रोमिनेंस रिगार्डिंग जुपिटर वीनस और पाइसन इन फोर्थ हाउस। मदर के साथ में जो चीजें हैं, मतलब जो है मदर, एक तो सेल्फ मेड होगी, मतलब पहली बात तो, क्योंकि थीम वही है, जिधर भी जाएगा, जो भी प्लैनेट जाएगा और जैसा भी साइन जाएगा वहां पर वो सेल्फ मेड व्यक्ति बनता है। तो मदर की ज्यादा देखो, वो फैमिली के साइड में बहुत ज्यादा लिंकअप नहीं रही है। मदर का जैसे होता है ना, शादी के बाद बहुत ज्यादा पारिवारिक लोग से भाई बहन बस आते जाते हैं, ज्यादा
माता का घर जाने से ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता, ऐसा थीम होगा। और दूसरा चीज ये कि मदर के लिए करने का वो रहता है प्रोमिनेंट इफेक्ट पाइसेस का। तो